दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर पुलिस ने मीट की दुकानें, रेस्टोरेंट और ठेलों को बंद करा दिया। इस क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी मीट की दुकान खुली पाई गई तो मुकदमा दर्ज होगा और सामान जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 अगस्त को पावन शिवरात्रि का पर्व है। आज सोमवार से सावन का पवित्र महीने का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जलाभिषेक को उमड़ रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर। देहरादून हाईवे 58 से निकलना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी मीट की दुकान, रेस्टोरेंट और ठेले लगे थे उन सबको बंद करा दिया है। इसके साथ ही शराब की दुकानों को त्रिपाल से ढकवा दिया गया है। रुड़की रोड पर सोफीपुर गेट के पास और कंकड़खेड़ा में सरधना बाईपास फ्लाईओवर के नजदीक रविवार रात को मीट की दुकान खुली थी, जिसे पुलिस ने बंद कर दिया। इसके साथ ही दोबारा इस तरह की हरकत करने पर मुकदमा दर्ज की चेतावनी भी दी गई है। सीओ दोराला सुचिता सिंह ने बताया कि कंकड़खेड़ा से लेकर मोदीपुरम, पल्लवपुरम और दोराला थाना क्षेत्र में जितनी भी कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें हैं, सब बंद करा दी गई है। खोलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पुलिस को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर उससे सख्ती से पूछताछ करने को कहा गया है। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के हाईवे पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।